जय हिंद। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान में घटना घटी थी, जो राजस्थान के जालौर में जो 1-8 साल का बच्चा था इंद्र कुमार मेघवाल, इनके पिताजी का नाम था दयाराम मेघवाल, और यह बच्चा स्कूल में पढ़ने गया था और छोटा बच्चा था, तीसरी क्लास में पढ़ रहा था अभी, उसकी उम्र 8 साल थी। और बच्चे ने जो हेडमास्टर का जो मटका रखा गया था, पानी रखकर उसमें मटके में जैसे पानी ठंडा रहता है, तो बच्चे ने जाकर उस हेडमास्टर के मटके से प्यास लगा तो पानी लेकर पी लिया। तो हेडमास्टर को जब पता चला कि यह लड़का दलित बिरादरी का है, अनुसूचित जाति का है, अछूत जाति का है, तो उस हेडमास्टर ने उसे इतनी बिरहमी से उस बच्चे को मारा कि उस बच्चे की मौत हो गई। दोस्तों, मौत अचानक नहीं हुई, लेकिन 23 दिनों के बाद यह मौत हुआ, 23-24 दिनों के बाद। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो हेडमास्टर इतना क्रूर था, जो जाति धर्म के नाम पर एक बच्चे को पानी पीने के नाम पर उसको इतना बेरहमी से पीटा कि 24 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इस घटना में यह निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस वालों ने 23 दिनों तक उस बच्चे का जो घर परिवार के लोगों ने जाकर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए मतलब अपील किया था, कई बार थाने पर गए, लेकिन थाने के जो पुलिस अधिकारी थे, जो भी थानाध्यक्ष थे, उन्होंने उन बच्चों उस परिवार का FIR दर्ज नहीं किया। उसके खिलाफ जो हेडमास्टर था जिसका नाम था छैर सिंह, जो उच्च बिरादरी से आता था, और उसने उसे इस तरह से बेरहमी से बच्चे को पीटा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पुलिस प्रशासन है राजस्थान की, जो सरकार राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ की पुलिस प्रशासन है, जो कहीं कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने के सामने आ रहा है कि बच्चे की मौत हो जाने के बाद जब पूरा मीडिया में हाईलाइट हो गया है यह घटना, तब जाकर पुलिस ने उस छैल सिंह के जो हेडमास्टर था उसके ऊपर कार्रवाई किया और उसको गिरफ्तार किया। और 24 दिनों तक जब तक उस परिवार के लोगों ने थाने में गए FIR दर्ज कराने के लिए, लेकिन उन्होंने बार बार इनकार कर दिया। ऐसा दोस्तों इसलिए देखने को मिलता है कि थानों में अगर अक्सर उच्च बिरादरी के ही पुलिस वाले देखने को आप मिलेंगे। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान नहीं किया होता, तो क्या आप समझ रहे हैं कि आप दलितों के ऊपर, जो भी गरीब लोग हैं उनके ऊपर आज कितना अत्याचार होता है? आज़ादी के 75 साल बाद भी जिस तरह से हमारा देश आज़ादी का महोत्सव मनाया है अभी पिछले अमृत महोत्सव, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं समाज में घटती हैं, जाति धर्म के नाम पर गरीब और गरीबों को इस तरह सताया जाता है, छूतों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, जिस पर जितनी मतलब उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर आरक्षण का प्रावधान नहीं हुआ होता संविधान में, तब कितना दलितों के ऊपर मतलब अत्याचार किया जाता, आप इस बात से समझ सकते हैं। जो तमाम लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, उनसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? हाँ, आप ही बताइए। अगर दलित के नाम पर ऐसे ही बच्चे को मारा जाएगा, इतने छुआछूत के नाम पर, छुआछूत से क्या होता, सबके खून में जो भी दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे सामान्य बिरादरी के ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, बामा, सभी लोग इंसान है, इंसानियत की भावना सबको रहना चाहिए। लेकिन आज भी जिस तरह से भारत के समाज में आज भी जिस तरह से जो जो धर्म और जाति का जो जहर लोगों के दिमाग में घोल दिया गया है, इसको कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो सरकारें अब तक आई हैं, किसी भी सरकारों ने अपने इसको दूर करने का प्रयास नहीं करती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन कोई भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। इस घटना पर जो कि इतना बड़ा दलित का बच्चा था, उसको इस तरह से बेरहमी से मार दिया गया जाति धर्म के नाम पर, और वो बच्चे की मौत भी हो गई है। परिवार के लोगों के हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन राजस्थान की जो सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि उन पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो 23-24 दिनों तक कोई भी FIR दर्ज नहीं किए, कोई कार्रवाई नहीं किए, और बच्चे की मौत हो जाने के बाद तब जाकर FIR दर्ज कराए हैं लोग, और तब जाकर वो आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना है, और इस तरह की घटनाओं पर अंजाम लगाने की जरूरत है। आपकी क्या राय इस घटना पर, अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। हमारा एक प्रयास यही था कि समाज में इस तरह घटनाएं जो घट रही हैं उन पर विराम लगाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि जाति धर्म के नाम पर लोगों को इस तरह से मत बांटिए, लोगों को इस तरह से मत प्रताड़ित कीजिए, सताइए, नहीं तो एक दिन बहुत बेहतर इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।